जमीन घोटाले मामले में ईडी के निशाने पर आए झारखंड के मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 31 जनवरी को रांची में ईडी ने उनसे घंटों पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के तुरंत बाद गठबंधन दलों के विधायकों ने चंपई सोरेन को सीएम बनाने का दावा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने पेश किया। चंपे का नाम सुनकर बहुत से लोग चौंक गए, क्योंकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें थी। हालांकि चंपे भी रेस में बने हुए थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने क्यों पत्नी कल्पना की जगह टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपे सोरेन को सीएम बनाया, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 30 जनवरी को जब हेमंत सोरेन ने रांची में विधायकों के साथ बैठक की, तो इसमें कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि कल्पना को ही कमान सौंपी जाएगी झारखंड की, क्योंकि वो विधायक या मंत्री ना होते हुए भी बैठक में शामिल थी। हालांकि अंत में चंपई सोरेन के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी गई। सरायकेला सीट से विधायक चंपई सोरेन हेमंत सरकार में परिवहन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रहे हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना को सीएम नहीं बनाया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह से परिवार में बगावत की आशंका जताई गई। हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी और जामा सीट से विधायक सीता सोरेन ने खुलकर कह दिया था कि उन्हें कल्पना का नेतृत्व मंजूर नहीं है। सीएम पद पर अपना दावा ठोकते हुए सीता सोरेन ने कहा था कि अगर हेमंत कुर्सी छोड़ते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि परिवार की बड़ी बहू होने के साथ 3 बार की विधायक भी हैं। हाल ही में जब जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने गांडिया सीट से इस्तीफा दिया, तो माना गया कि कल्पना सोरेन के लिए जगह खाली कराई गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से कुछ कम का वक्त बचा है, और ऐसे में भाजपा नेताओं की ओर से कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर दावा किया जा रहा था कि अब गांडे सीट पर उपचुनाव नहीं हो सकता है। माना जा रहा है कि इस संशय को देखते हुए भी हेमंत सोरेन ने कल्पना की जगह चंपे को चुना। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुभवी नेता है। वो शिभु सोरेन परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्हें हेमंत सोरेन का यस मैन भी कहा जाता है। 90 के दशक में अलग झारखंड राज्य की मांग उठी, तो शिभु सोरेन के साथ चंपई ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। चंपई अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि झारखंड की सरकार अब बदल गई है, और ऐसे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है इसको लेकर, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।